कहना पड़ेगा कि अब की बार हरियाणा में दरअसल बीजेपी और जेजेपी की सरकार। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 8 कुर्सियां लगाई गई हैं और इन 8 कुर्सियों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठेंगे, दुष्यंत चौटाला बैठेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठेंगे, सुभाष बराला, अनिल जैन, अनुराग ठाकुर, और अब ये देखिए कुर्सियों का क्रम थोड़ा सा बदल गया है। बीच में जो अलग कुर्सी रखी गई है, संभवतः इस कुर्सी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठेंगे और एक चेयर दरअसल बदली गई है और अब कुर्सियों की संख्या हो गई है 7। आठ कुर्सियां लगाई गई हैं, एक कुर्सी दरअसल बीच में चेंज की गई है। तो टोटल न्यूज पर हरियाणा की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हरियाणा की सियासत का एक बड़ा ऐलान दरअसल थोड़ी देर में होने वाला है। थोड़ी देर में बीजेपी और जेजेपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनके बगल में बैठे हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके बगल में बैठे हैं दुष्यंत चौटाला और फिर दुष्यंत चौटाला के बगल में अनिल जैन नजर आ रहे हैं और दूसरा जो क्रम है उस क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, सुभाष बराला बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं और अब अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दरअसल बीजेपी और जेजेपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और जेजेपी के नेताओं की एक मीटिंग हुई और हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे और कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी एक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधिवत नेता चुनने के बाद सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी और अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार हरियाणा के विकास को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाएगी। हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके स्पिरिट को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों के नेताओं ने ये निर्णय लिया है और आज दोनों नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत दोनों को बधाई भी देता हूं और आने वाले सरकार के अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। चल सर।